टीम इंडिया के मिशन वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 जून से साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से होगी। विराट कोहली की टीम चाहेगी कि इस टूर्नामेंट में उसकी शुरुआत जीत के साथ ही हो। साउथ अफ्रीका को भले ही बड़े टूर्नामेंट में चोकर्स माना जाता हो, लेकिन टीम इंडिया उसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करेगी। अफ्रीका के पास रबाडा जैसा बॉलर है, डिकॉक और डुप्लेसिस जैसे बल्लेबाज हैं, भले ही वो अपना पहला मैच हार गई हो। विराट कोहली को इस मैच में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इस वीडियो में देखते हैं। अफ्रीकन टीम के पास कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के सामने टीम इंडिया का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। अभी तक वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच हुए कुल 4 मैचों में भारत ने सिर्फ एक ही जीता है और 3 अफ्रीका के खाते में गए हैं। लेकिन अगर पिछले 12 मुकाबलों को देखें तो टीम इंडिया ने 8 मैच जीते हैं और साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 4 मैच। अगर खिलाड़ियों की तरफ नजर दौड़ाएं तो अफ्रीकी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोहली की सेना को मुश्किल में डाल सकते हैं। बल्लेबाजी में फाफ ड्यूप्लेसिस, हाशिम अमला, डिकॉक, तो वहीं गेंदबाजी में रबाडा, इमरान ताहिर और लुंगी नगीडी। ये खिलाड़ी आईपीएल में अपना रंग दिखा चुके हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे में कोहली की टीम को इनसे बचकर चलना होगा। वैसे भी अमला और डिकॉक के बल्ले तो इंडिया को देखते ही रन बरसाने लगते हैं। डेल स्टेन अभी चोटिल हैं और भारत के खिलाफ उनके मैच खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। मतलब पूरे गणित को देखें तो भारत को अपने शुरुआती मैच में पार पाना इतना आसान नहीं होगा। ये तो हुई अफ्रीकन टीम की बात, और अगर बात करें टीम इंडिया की तो प्रैक्टिस मैच में शानदार परफॉर्मेंस देख के फैंस की उम्मीद और भी बढ़ गई है। भारत की ताकत बल्लेबाजी है, ऐसे में हर कोई चाहता है कि एक बार फिर धवन, कोहली और रोहित की तिकड़ी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएगी और मिशन वर्ल्ड कप का आगाज धमाकेदार होगा। आईसीसी के टूर्नामेंट में शिखर और रोहित का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहता है। पिछला वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी इस चीज़ के गवाह भी हैं। और बात अगर कप्तान विराट कोहली की करें तो जब भी कोई बड़ी स्टेज आती है तो उनका बल्ला रन उगलता ही है। लेकिन इंग्लैंड के पिच पर उनका बल्ला कम ही बोलता है। इंग्लैंड में विराट ने 22 मैच खेले हैं जिनमें 800 के करीब ही रन बने हैं। इस तिकड़ी के बाद बारी आएगी मिडल ऑर्डर की, और मिडल ऑर्डर में सारी जिम्मेदारी है महेंद्र सिंह धोनी पर। प्रैक्टिस मैच में उन्होंने शतक जड़ा और जिससे उम्मीद अब बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि यह धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप है। ऐसे में फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप जीत के हीरो महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे। अगर टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखें तो चहल कुलदीप की जोड़ी पर भारत पूरी तरह से डिपेंड करता है। पिछले 2 साल में इस जोड़ी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और विरोधियों को चकमा दिया है। वहीं फास्ट बॉलर में बुमराह, भुवनेश्वर और शमी की तिकड़ी पर दारोमदार है। बुमराह डेथ ओवर में टीम को आगे ले जा सकते हैं, तो शुरुआत में भुवनेश्वर भी मदद कर सकते हैं। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो भारत अफ्रीका को इस मैच में हरा सकता है और अपने मिशन वर्ल्ड कप की शुरुआत शानदार कर सकता है। इंडिया और अफ्रीका के मैच से जुड़ी और वर्ल्ड कप के पूरी कवरेज के लिए आप आजतक.in के साथ बने रहिए।